या पंगिन तो हालो रास्ता है, जो भी बोलो, ये दुनिया भर का एक सबसे बेस्ट हाईवे है। ऐसे कुछ पसा वसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बट बहुत ही मस्ती में था। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको मेरा खुद का आज का जो जर्नी का एक्सपीरियंस है उसे मैं दिखाना चाहता हूँ। आलो तो ईटानगर कम से कम 350 या 300 ऐसे कुछ किलोमीटर है। सुबह 5:30 बजे निकलने से वहाँ ईटानगर में कम से कम 2:30-3 बजे पहुँच जाते हैं। पासीघाट तो आलो रास्ता वो तो बोलने लायक नहीं है, बहुत ही मतलब अच्छा है, ठीक है वो, पर आपको मैं अब जो हमारा पांगिन तो आलो का जो हाईवे है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लेकिन ये जो रास्ता है आलो तो पांगिन रास्ता या पांगिन तो आलो रास्ता है, जो भी बोलो, ये दुनिया भर का एक सबसे बेस्ट हाईवे है। यहाँ पे आपको रास्ता पे चल रहे जैसे नहीं होगा, आप हवा में उड़ रहे जैसे लगेगा आप, और गाड़ी चलाते समय आपको ऐसे लगेगा कि आप झूला झूल रहे हो। बहुत ही मतलब एडवेंचरस रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो आज मेरे साथ में आते समय हम लगभग 1 घंटा जैसे 2-3 घंटा जैसे हम आलो तो पांगिन रास्ता के बीच पे था। ऐसे कुछ पसा वसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बट बहुत ही मस्ती में था। तो आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा वो मस्ती कैसा था। और ये मत भूलिएगा कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ 30 या 40 पैसेंजर्स जो यात्री यहाँ से ईटानगर जा रहे थे वो उतर के इस ट्रक को तैलने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रक का कुछ पार्ट्स टूट चुका है जिसके कारण ये ट्रक जो है मूव करने नहीं सक रहा है। तो अभी देखिए ये हाईवे का हालत, ये है आलो तो पांगिन रोड के बीच में, बहुत मुशक्कत कर रहे हैं ट्रक को यहाँ से हटाने के लिए, पर भी ये ट्रक हिल रहे नहीं अपना अपने जगह से। यहाँ ये पूरा ओवरलोडेड, पूरा फुल्ली लोडेड ट्रक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो पैसेंजर सुमो जो ईटानगर जा रहे थे आलो से, वो यहाँ पूरा फंसा पड़ा हुआ है और ये सब यहाँ रुक रहे हैं कि कब ये ट्रक यहाँ से हटेगा और हम यहाँ से ईटानगर की ओर चल सकेंगे। लगभग 1 घंटा ज़्यादा हो गया यहाँ वेट कर करके। तो अभी जैसे भी यहाँ आ चुके हैं इस ट्रक को तैरने के लिए। यहाँ रास्ता जाने के लिए नहीं है, ये बीच रास्ते पे खराब हो गया और हम जा रहे थे ईटानगर। लगभग 1 घंटा 15 मिनट यहाँ रुकने के बाद, फंसने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं ईटानगर की ओर। और ये जो ये सब चीज़ है, ये सिलसिला जो है वो हर दिन का है, जो यहाँ कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे कि अभी आप आसानी से अगर ईटानगर से आलो पहुँच जाते हो तो आलो में भी
आपको गैरेज तो घुसना ही पड़ेगा, आपका गाड़ी का कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से हम जब आप कहीं भी जैसे कि ईटानगर जा रहे हैं या कहीं भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ हमें एक बार गैरेज में अपना गाड़ी को घुसाना ही पड़ता है। तो ये रास्ता बन रहा था तो बहुत खुशी था, लेकिन अब तक ख़त्म नहीं हुआ, उसके लिए भगवान ही जाने ये रास्ता कब बनेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको शुक्रिया।